एक सब्सक्राइबर की हमें कमेंट आई थी, उन्होंने पूछा था कि सैमसंग फ़ोन में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो कोई दूसरा पर्सन कॉल करता है मुझे, तो उसका पता नहीं चलता है सैमसंग फ़ोन के अंदर। यानी कि क्या आप भी जानना चाहते हैं, कॉल करते समय दूसरा कॉल आता है तो पता नहीं चलता। तो आपको ये सेटिंग कर लेनी होगी, सैमसंग का आपके पास कोई भी फ़ोन हो उसमें आप ये सेटिंग कर दीजिए। उसके बाद आपका कोई कॉल करेगा आपके नंबर पे दूसरा व्यक्ति, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको उसके डायलर में जाना है, सैमसंग फ़ोन का एक डायलर है उसमें जाना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो इतनी थ्री डॉट नज़र आ रही है इन पर आपको टैप करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, सेटिंग पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सप्लीमेंट्री सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ वेट करना है कुछ देर के लिए, जब तक ये बफरिंग हो रही है, कंप्लीट नहीं हो जाती है। जैसे ही कंप्लीट हो जाए अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉल वेटिंग का, ये ऑप्शन बंद होगा, ठीक है। क्या होगा, ये ऑप्शन आपका बंद होगा, तो बस इस ऑप्शन को क्या करना है, आपको ऑन करना है, ठीक है। इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगा, इतना सा आपको करना है बस। जैसी सेटिंग ऑन हो जाए आप यहाँ से बाहर निकल आइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और अदर आपके पास कोई भी फ़ोन है, जैसे कि ये सैमसंग का है या अदर कोई भी फ़ोन है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास है रियलमी का फ़ोन, ये आप देख सकते हैं रियलमी, ठीक है। तो इस रियलमी का फ़ोन है तो इसमें भी आप कर सकते हैं, डायलर पर जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगी सेटिंग, सेटिंग पर जाएंगे इस तरीके से, थ्री डॉट पे पास सेटिंग है। उसके बाद कॉलिंग अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिले करियर कॉल सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं रीडिंग सर्विस, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग नज़र आ रही होगी कॉल वेटिंग, सेम सेटिंग वही है, बस आपको इसे यहाँ से ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ब्लर आ रही है क्योंकि हमारे फ़ोन का जो सिम कार्ड है उसमें नेट नहीं है, यहाँ पे कुछ एरर आ गया था, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, तो इस तरीके से कॉल जब आप किसी बात करेंगे तो दूसरा कॉल आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जय हिंद।